भाई को दिल्ली वोट डालेंगे राहुल गांधी, कमल का निशान देखा ईवीएम पे, उसको जोर से दबा के कह रहे हैं किसी को हराना है। ये बोलिए कि वोट पड़ गया, होना तो यही चाहिए था ना। सारी बातें यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के सैनी स्थित कृषि मैदान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महासंगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ता महासंगम आयोजन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं सिराथू विधानसभा के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य, आज राज्य फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन एवं हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव शामिल हुए। मंच संभालते हुए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने पहले ही उपस्थित जन समुदाय को गुदगुदाने का काम शुरू किया। इसके बाद बीच बीच में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट की भी जनता से मांग की और भाजपा द्वारा कराए गए विकास कार्य का भी बखान किया। उन्होंने कॉमेडियन अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं यूपी विधानसभा प्रभारी प्रियंका गांधी पर भी चुटकी ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिराथू की चर्चा सिराथू में ही नहीं अब पूरे प्रदेश में होने लगी है। सिराथू को वीआईपी सीट मानी जा रही है। मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो मेरी जन्मभूमि सिराथू से मिला। मैंने कभी आप लोगों का सिर झुकने नहीं दिया और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरा सिर झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 5 सालों तक जो आपने देखा वह तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि सिराथू में हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घर में पानी की पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के विवाह के लिए अभी 1 लाख दिया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु से अधिक की महिलाओं को किसी भी परिवहन बस में 10 मार्च के बाद किराया नहीं देना पड़ेगा। अपनी पहचान खो चुके शमशाबा पैच और आज हम कौन कौन लड़ रहे हैं, क्या है, किसके लिए कह रहे, कौन सी पार्टी लड़ा रही है और कहां कहां से लोग हैं, किसकी तरफ है संकेत? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि मैं आया हूं और मैं देख रहा हूं भाजपा की लहर है, लोगों में भारी उत्साह है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में दागी छवि के लोग हैं, अपराधित छवि के लोग हैं, तो मैंने जनता से यही कहा कि आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के हर सीट पे आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं आपका इशारा नहीं है? हाँ, मैंने वही कहा। क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव में भाजपा, चूंकि अखिलेश यादव का कहना है कि हम जो 3 चुनाव हुए 3 चरण के उसमें हम लोग सबसे आगे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन ये है कि तीनों चरणों से ये पता चला है कि हम लोग 300 की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ अपने अंदाज में बता दीजिए, कुछ भाई क्या बताएं आज। मुलायम सिंह जी, हाँ, हमारे साथ तो धोखा हो गया। क्या हमने किसी से पूछा वैक्सीन कहाँ लग रही है, बहुत सोच के कहने लगा बाएं हाथ में लग रही है। और राहुल गांधी गए वोट डालने, ईवीएम के पास पहुंचे, जैसे ही कमल देखा वहाँ जोर से दाब दिया, दाग के बोले बस इसी को हटाना है। ठीक है भाई, उत्तर भैया कितनी सीट जीतने क्या रही बीजेपी इस बार? जीतेगी ये तो सबको पता है, 300 प्लस चल रहा है, लोगों में अच्छा माहौल है। क्योंकि कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है गरीब को जो जरूरी सुविधाएं हैं वो उसको मिलेंगी, किसान को जो जरूरी सुविधाएं वो मिलेंगी, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ होगा। साइकिल की बटन दबाएंगे तो यह जरूर है कि ऐसे अपराधी, एक साइकिल की बटन दबी तो 1000 अपराधी जो आज कुछ काम धाम करने की ओर बढ़ गए हैं वो फिर अपराध के रास्ते पे वापस आएंगे। तो इसलिए साइकिल की बटन दबाने का मतलब अपराधियों और आतंकियों को आमंत्रित करना है, गुंडों को आमंत्रित करना है, दंगाइयों को आमंत्रित करना है, और कमल के फूल की बटन दबाना या अपने सुरक्षा का कवच बना लेना है, विकास का रास्ता बना लेना है, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना है। लेकिन अगर साइकिल की ओर गया, कोई पंजे की ओर गया, कोई हाथी की ओर गया, वह सब तो उनको डुबो देने का काम करेंगे। इसलिए जो भी उसका अर्थ ये लगाइए कि एक कमल के फूल की बटन से हजारों गरीबों का भला होगा, सुरक्षा होगी, बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और एक साइकिल की बटन दबाने से केवल गुंडे पैदा होंगे, अपराधी पैदा होंगे, दंगाई पैदा होंगे, माफिया पैदा होंगे, सराफत का रास्ता छोड़ करके उत्तर प्रदेश अराजकता के रास्ते पर चला जाएगा। उससे बचाने के लिए साइकिल को ही बंगाल की खाड़ी में उठाकर फेंक दे, यही जरूरत है। हाँ, 10 मार्च के बाद पिक्चर दिखाएंगे आपको भी।